और सुबह के बज चुके हैं 6, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम उठने में। गुड मॉर्निंग। तो ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे उठने में और सनराइज़ हो चुका था, क्योंकि नींद रात में लेट से सोए और नींद भी लेट से खुली। तो अब भी फ़िलहाल हम आ गए हैं छत पे और आपको दिखाते हैं यहाँ का सनराइज़ कितना ब्यूटीफुल है। ये टेरेस है और यहाँ से सनराइज़ दिखाने के लिए हम ऊपर आए थे। सनराइज़ जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, ऑल्दो हम लेट हैं, बट फिर भी ये खूबसूरत है। और ये रहा वो ब्यूटीफुल सा सनराइज़ जो इतना सा ऊपर तो आ गया है, तो इतने लेट हैं, ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं नीचे, वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना एजेंडा है भाई सुबह उठ करके। अपना तो भाई एक ही एजेंडा हो जाता है, आराम। आराम फरमाने में तो कोई कमी नहीं करते ना। तो अभी अब सनराइज़ हो जाने के बाद तो और कुछ कर नहीं सकते। तो अब सनराइज़ दिखाने के बाद अब सोचा हमने कि थोड़ा सा वॉक करें, और वॉक करते हुए कहाँ जाया जाए, तो एक आध पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सीधे जो है थोड़े दूर वॉक करने के बाद जो है एक आश्रम आता है जो गांधी आश्रम है, वहाँ ले जाते हैं और वहाँ कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ देखने की भी कोशिश करते हैं कि है क्या गांधी आश्रम में। तो ये यहाँ का है गांधी आश्रम, और गेट है कि पार्किंग है इसका, और यहाँ पे आप गाड़ी लेके भी आ सकते हो, पार्क कर सकते हो। आगे चल के दिखाते हैं, ये रेड वाला जो बिल्डिंग जो ऊपर से हमने देखा था वो यही वो गांधी आश्रम है। ओके, सो यहाँ से अंदर आते हैं और ये है गांधी आश्रम। तो ये है गांधी जी के इस मूर्ति, यहाँ पे झंडा लगता है, और गांधी जी के 3 बंदर, चौथा तो आप जानते ही हो कहाँ रहता है, तो आजकल चौथा भी बंदर आ गया है। गांधी जी कब आए थे यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, आप डेट वेट देख सकते हो। ये है वो गांधी आश्रम, यहाँ से इसकी एंट्री है। यहाँ लिखा हुआ आश्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं और भवन के अंदर फोटो वोटो खींचना मना है, कृपया जूते चप्पल बाहर निकालें और कृपया शांति बनाए रखें। तो यहाँ से हम अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि जूते चप्पल और ना ही कैमरा दिखा सकते हैं, तो हम बाहर बाहर से ही आपको दिखाते हैं। और वुडन वर्क है पुराने टाइम का, तो बहुत ही अच्छा है यार। मतलब अब अंदर संग्रहालय है, दैट मीन्स म्यूजियम है। यहाँ पे देखो बंदर के बच्चे हैं, वो छोटा वाला देखो कितना मस्त लग रहा है, मस्त क्यूट सा लग रहा है यार। यहाँ पे देखो यार ये बंदर देखो कितना अच्छे से खेल रहे हैं और खा रहे हैं, ये छोटा वाला तो बहुत क्यूट है। ये देखो मम्मी के पास कैसे चला गया। ओ भाई गजब, एक वहाँ देखो लकड़ी लेकर के ऊपर चढ़ रहा है, एक यहाँ, ये सबसे छोटा वाला सबसे मस्त है। चलो और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है वो पूरा। ओके, यहाँ पे गांधी जी थे जो मैंने अभी दिखाया, और ये वो पूरा मतलब पैसेज है जो राउंड है पूरा ऐसे करके, जो उस साइड से भी अभी मैंने दिखाया। फिर यहाँ पे थोड़े से खादी के शॉप वगैरह हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ से कुछ परचेज भी कर सकते हो, और अगर नहीं चाहो तो मत परचेज करो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये व्यू पॉइंट है, और इसमें आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के कि कहाँ कहाँ के हिमालय के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं आपको यहाँ से दिखाई देंगे। बोला जाए तो गांधी जी के 3 बंदर, और यहाँ खड़े होकर के चोटी देखिए आप, तो चोटी किसके, तो हिमालय के देखेंगे हम। सब लिखा हुआ भाई, हाइट वाइट कितना है, त्रिशूल का कितना है, देन नंदा, देन जो भी है यहाँ पे आप देख ही सकते हो। चौखंबा कहाँ है यार, पंचाचोली तो है, देखो पंचाचोली दिख गया, और नंदा देवी भी है, तो बहुत सारे हैं। मतलब ये सारे पीक्स हैं जो कि हिमालयन पीक्स बोले जाते हैं, तो आप इसको यहाँ से सामने खड़े होकर के व्यू पॉइंट पे देख सकते हो। अब यहाँ से वापस चलते हैं और वापस से रूम पे जाते हैं, वहाँ पे रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ये क्या है भाई, खादी इंडिया वस्त्रायोग योगाधाम। तो यहाँ से निकल चुके हैं और चलते हैं अपने होटल पे वापस से, वहाँ जा कर के फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, दैन फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे होटल मिलेंगे आपको इसी रोड पर ना, जैसे एक होटल का अभी दिखाया मैंने, जीतू भैया का होटल है, गो स्टे जीतू भैया की, गो स्टे, जय हो। और आगे जाओगे तो फिर हमारा स्नो सन एंड स्नो इन आ जाएगा। ये वाला भी अच्छा होटल है, हमने मन हो रहा था यहाँ पे बुक करने का, फिर हमें लगा कि नहीं चलो और आगे वाले बुक में करते हैं, तो वहाँ जा करके हमने बुक कर लिया था। तो भाई साहब मॉर्निंग वॉक करके आ चुके हैं, अब चलते हैं अपने रूम पे, रेडी होते हैं, गाड़ी अपनी यहाँ पे पार्क्ड है। जब हम आए थे तो एक ही कार थी हमारी अपनी, बट अभी देखो एक ये है, एक वो है, एक वो है, एक वो है, बहुत सारे लोग आ गए अब तो। भाई साहब ये है हमारा रूम,
रूम नंबर 34। चाबी देख रहा हूँ, नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं और अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। रूम की हालत तो आप देख ही सकते हो, कैसे फैला रखा है ना सब कुछ। ये बैग यहाँ, वो वहाँ, उधर मत देखो आप, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ नीचे पे, और यहाँ काम चल रहा है अपलोडिंग का, जो कि आपको वीडियो दिखाई देगा। क्या होता है कि अपलोडिंग यहाँ पे धीरे होता है तो काम भी धीरे होता है, तो आपको दिखाई भी धीरे देता है। तो कोई नहीं, चलते हैं अभी, अब ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। किचन में वापस आ गए हैं और ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। तो और क्या क्या है यहाँ पे, सांभर, इडली, नान उपमा, दिस वन इज़ फॉर मूंग दाल, और पूरी सब्जी, और दिस वन इज़ वेज पकौड़ा, कॉर्न एंड मिल्क इज़ ऑल्सो देयर। तो ये सब में से देखते हैं क्या क्या खाया जाएगा अभी, तो एक एक करके ट्राई करना शुरू करते हैं। ये क्या है, पकौड़ी विद कुमानी चटनी, पूरी है, देन वाटरमेलन स्प्राउट्स, देन ये मूंग दाल और इडली, जूस है, और जूस किसका है तो लीची का है, और ये आपका सांभर। तो इतना है खाने के लिए आज ब्रेकफास्ट में, इसको अब एक एक करके टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। सो डन विद द ब्रेकफास्ट, मज़ेदार था, पेट भर के खाया भाई, पेट भर के। तो ब्रेकफास्ट हमेशा ही जितना हो सकता है बहुत रिच होना चाहिए और डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। तो हमने ऐसा ही किया है, ब्रेकफास्ट बहुत जम के किया है, और अब चलते हैं अपने रूम पे, सामान वामान पैक करते हैं। तो फाइनली टाइम टू चेक आउट फ्रॉम दिस रूम, और अब निकलते हैं यहाँ से सीधे। लैपटॉप पे थोड़ा कुछ काम कर रहे थे, वो रह गया काम करना, पूरी तरह से अपलोड हुआ नहीं है, तो इसको कार में लेके चलते हैं, और वो धीरे धीरे अपना अपलोड होता रहेगा। थैंक यू सो मच भैया, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी आपकी। अब नीचे उतरते हैं, फाइनल बिल पेमेंट करते हैं, निकलते हैं अपने कार में। भैया बैलेंस ड्यू होगा, हाँ मैं अभी जस्ट आता हूँ सामान रख के। तो अब यहाँ से निकलते हैं, इसका अपलोड का काम धीरे धीरे चलता रहेगा, कार में लगा देते हैं इसे, ये अपना काम चलता रहेगा अपलोड का, एंड देन फिर बिल क्लियर करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच भैया, इट वाज रियली अ प्लीजेंट स्टे, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा रहा आप। ओके, तो यहाँ से अब निकलते हैं और अब चलते हैं अगले अपने डेस्टिनेशन पे। गाड़ी अपनी यहाँ पे पार्क है, बिल वगैरह का पेमेंट डन, नाउ लिविंग फॉर, अब यहाँ से डायरेक्ट अपने घर पे निकलेंगे, बीच में कहीं कुछ नहीं। तो होटल सन एंड स्नो इन को करते हैं बाय और निकलते हैं अब यहाँ से। यहाँ से जो डिस्टेंस है घर तक का वो है 424 किलोमीटर्स, और टाइम जो लगना चाहिए वो लगेगा 10 घंटे 21 मिनट, जो कि GPS बता रही है। GPS के टाइमिंग से तो हमें थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लगेगा, उससे कम तो लगने वाला है नहीं। तो अब भी फ़िलहाल के लिए धीरे धीरे निकलते हैं यहाँ से और अपने धीरे धीरे गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ते हैं। जितनी जल्दी बढ़ेंगे, जितने जल्दी ये वो वाला स्ट्रेच पे कवर कर लेते हैं, वो मुरादाबाद तक वाला जो स्ट्रेच है उसको कवर कर लेते हैं, बीच में भटकने का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा कम हो, कि GPS फास्टेस्ट रूट ये वो करते हुए इधर उधर ना भटका दे जैसे लास्ट टाइम भटकाई थी, और हमें सही सलामत पहुँचा दे। एक पत्थर पे चढ़ते चढ़ते बचा। तो वापस से उत्तराखंड को बाय करने का टाइम आ गया है, और बाय करेंगे तभी तो फिर हाई करेंगे, तो एक बार जाएंगे तभी तो वापस आएंगे, वो वाली बात है। मन तो नहीं कर रहा है छोड़ के जाने का, कि भाई छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा, क्या करें, छोड़ के जाएंगे नहीं तो वापस आएंगे कैसे। तो इस कदर प्यार है मतलब पहाड़ों से, आप समझ ही सकते हो,